पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच लगातार 6 महीनियां तो कैंडल मार्च कर रहे प्रोफेसरां नूं हुण वड्डी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने प्रोफेसरां दे 7वें पे कमीशन दे एरियर देण बाबत 175 करोड़ रुपए जारी कर दिते ने, जिस दी मंग लगातार पीयू प्रोफेसर कर रहे सी ते फ्रंट ग्रुप हर शाम नूं गांधी भवन बाहर साइलेंट रोस मार्च भी करते सी। इस दौरान अंग्रेजी विभाग दे प्रोफेसर मेहरा ने दस्सिया है कि बीते दिनी उन्हां वल्लों वाइस चांसलर दे नाल इक मुलाकात भी कीती गई सी। पंजाब विश्वविद्यालय को कल एक पत्र के माध्यम से भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें 175 करोड़ रुपए का एक वन टाइम ग्रांट जो है वो सैंक्शन ऑर्डर अप्रूव हो गया है। दूसरा जो अनाउंसमेंट थी 54 करोड़ रुपए की, वो भी अप्रूव हो गई है। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जो एरियर का अमाउंट जो डिमांड किया था, जो कैलकुलेट किया था, उसमें 278 करोड़ का कुछ संख्या जो नंबर था वो फाइनल हुआ था और पंजाब यूनिवर्सिटी ने वो भेजा था आगे। अब इसमें 102 करोड़ जो है वो पंजाब की तरफ भारत सरकार ने ये जो सारा जो खेल है वो पंजाब की तरफ मोड़ दिया है। पंजाब सरकार ने पहले लिखित में ये आश्वासन दे रखा है कि जैसे ही भारत सरकार आपकी जो डिमांड्स हैं ग्रांट की वो पूरी कर देती है, हम अपनी ग्रांट यहां से जारी कर देंगे। देखने वाली बात इसमें यह है कि पंजाब सरकार ने 85 करोड़ रुपए की जो ग्रांट है वो इन एंटीसिपेशन अप्रूव कर रखी है। अब ये 102 करोड़ और 85 करोड़ का जो फासला है ये डिपेंड करता है कि पंजाब विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसे कैसे फॉलो करता है, परस्यू करता है। इस दौरान टीचर वॉयस यूनाइटेड फ्रंट वालों चांसलर अते उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत UGC दे चेयरमैन दा भी धन्नवाद कीता गया ते उन्हां इह भी कहा है कि उन्हां दी इस लड़ाई दे विच पंजाब यूनिवर्सिटी दे साबका विद्यार्थी जो हुण उच्च अहुदियां ते ने उन्हां ने भी मदद कीती है ते इस दे नाल उन्हां नूं इह सफलता हासिल हुई है। लेकिन केंद्र तों बाद हुण 102 करोड़ रुपए पंजाब सरकार देवेगी। हम इसमें सबसे पहले जो संघर्ष के जो साथी थे, 6 महीने से जो संघर्ष जो कर रहे थे अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे, हम उनका धन्यवाद करेंगे सबसे पहले। दूसरा, हम हमारा इस कष्ट के समय में हाथ पकड़ने के लिए जो हमारे चांसलर हैं माननीय राष्ट्रपति भारत जो है जगदीप धनखड़ जी, उनका उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी उनका धन्यवाद करेंगे और UGC चेयरमैन जगदीश कुमार जी का धन्यवाद करेंगे। अपने पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का भी हम अपने फ्रंट टीचर्स वॉइस यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से जो उनका रोल जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अंत में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वाइस चांसलर प्रोफेसर रेनु विज, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। जगबाणी टीवी चंडीगढ़ तो वरुण भट्ट की रिपोर्ट।